Hey India, happy Independence Day. Oh no, wait, ये तो हिंदी वाला वीडियो है. हाँ, sorry. आज भारत को आजाद हुए 73 साल हो गए हैं. स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को. भारत ने इतने कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, पर अभी भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी पता नहीं क्यों अंग्रेजों के तलवे चाटने में बड़ा मजा आता है. मतलब उन्हें लगता है कि भारत में जो कुछ अच्छा हो रहा है वो सब अंग्रेजों की देन है. अंग्रेजों ने हमें ये दिया, अंग्रेजों ने हमारे लिए वो किया. और जब तक हम मन से अंग्रेजों का गुणगान करते रहेंगे तब तक हम आजाद नहीं हैं, हम गुलाम ही हैं. तो मैंने सोचा 73वें स्वतंत्रता दिवस पर क्यों ना उन गुलामों को भी स्वतंत्र किया जाए. और इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि वाकई में अंग्रेजों ने भारत की कितनी मदद की है. मतलब देखो, अभी तुम्हें आगे पता चलेगा. जो सबसे पहली गलतफहमी लोगों को है वो ये है कि इंग्लैंड के लोगों ने भारत को व्यापार करना सिखाया. मतलब अब मैं क्या बोलूं यार, तुम देख लो. जो दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी है इन अंग्रेजों की औलादों को वो ये है कि अंग्रेजों का कोई प्लान नहीं था हमारे पर आक्रमण करने का. नो, अंग्रेज तो बहुत अच्छे थे, पर क्या है ना, यूके में ना खनिज पदार्थ नहीं थे, इसलिए उन्हें यहाँ हमला करना पड़ा ना अपनी पॉपुलेशन को सर्वाइव कराने के लिए. देखो बेटा, ऐसा है, ये है यूके का प्रेजेंट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. यानी यहाँ पे कोयला है, नेचुरल गैस है, सब कुछ है. और इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं सिर्फ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बात करें तो ये है उनका मैप. और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस छोटे से द्वीप में सब कुछ था जो इन्हें जरूरत थी, पर फिर भी लालच बुरी बला है. और मतलब आज भी अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते. उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे, यूके में इतना बारिश होता रहता था इसलिए हमको सूरज चाहिए था. बेटा, अगर तुम्हें सूरज चाहिए था तो 2 दिन आते, छुट्टी मनाते, चले जाते, हमला करने की जरूरत नहीं थी. वेकेशन और इन्वेजन में फर्क होता है. और अब जब हमारे देश से या बाकी देशों से भी लोग यहाँ जाते हैं इंग्लैंड में पढ़ने या जॉब करने, तो इन अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता कि हाँ, मतलब अगर तुम हमारे देश नहीं आते तो आज हमें शायद तुम्हारे देश आने की जरूरत नहीं पड़ती. नहीं, खैर छोड़ो, अब चलते हैं तीसरी गलत फहमी की ओर कि अंग्रेजों के कारण हमारे देश में आज ट्रेन है, रेल है. जो कि एक सच है, अंग्रेजों के कारण ही हमारे देश में ट्रेन है, पर जो ट्रेन अंग्रेज हमारे देश में लाए थे वो आज की ट्रेन से बिल्कुल अलग थी. अगर तुम गूगल पे जाओगे और थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि IRCTC कितनी कमाल की चीज़ है. अंग्रेजों की जमानों की ट्रेन और उनकी रेल पटरियाँ बहुत ही ख़राब क्वालिटी की थी, बहुत जल्दी जल्दी एक्सीडेंट्स होते थे. और पिछले 40 साल के अंदर 85% ब्रिटिश रेलवेज को हटा के रेनोवेट कर दिया गया है और कई जगह पे उनको वापस से बनाया गया है क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब थी. तो मतलब अभी जिस रेलवे पे तुम्हें प्राउड होना चाहिए वो अंग्रेज़ों ने नहीं दी है, वो तुम्हारी खुद के IRCTC वालों ने बनाई है. जहाँ उनकी तारीफ होनी चाहिए आज वहाँ भी अंग्रेज़ों की ही तारीफ हो रही है. और ये जो रेल प्रेमी प्रजाति है गुलामों की, इसमें एक स्पेशल प्रजाति है. उन गुलामों को ऐसा लगता है कि अंग्रेज इंडिया में ट्रेन लाए थे इंडिया का विकास करने के लिए. मतलब ये तो वही बात हो गई कि यार कसाई ना बड़ा अच्छा इंसान होता है, वो गाय को खाना वाना खिलाता है, हाँ, ताकि वो उसे बाद में मार सके. कॉमन सेंस. अंग्रेज इंडिया में रेल लेकर आए थे क्योंकि इतने बड़े देश को लूटना आसान हो जाता अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होता. और ट्रेन की बदौलत हमारे देश की चोरी आसान भी हुई है. आज तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि अंग्रेजों ने कुल जोड़कर इंडिया में से कितना चुराया, पर अगर अभी तक के सरकारी आंकड़े देखे जाए तो अंग्रेजों ने अपने 200 साल के शासन में इंडिया में से 45 ट्रिलियन डॉलर्स की चोरी की है. यानी खरबों के भी खरबों रुपए. और ये राशि तो सिर्फ उन जवाहरातों की, गहनों की है जो उन्होंने हमसे चुराए. इधर उसकी तो बात ही नहीं हो रही, उन्होंने कितने लोगों को मारा, हमारी कितनी औरतों के साथ अत्याचार हुए, उसकी कोई बात नहीं है. ये सिर्फ धन राशि है. अंग्रेज विंस्टन चर्चिल को एक हीरो मानते हैं, पर सच तो ये है कि विंस्टन चर्चिल ने करोड़ों हिंदुस्तानी किसानों को भूखा मार दिया था
ताकि वो अपने सैनिकों को वर्ल्ड वॉर टू दूसरे विश्व युद्ध में खाना भिजवा सकें। हमारे किसान मेहनत से कुछ उगाते थे पर उनकी फैमिली के लिए एक दाना भी नहीं बचता था क्योंकि विंस्टन चर्चिल सब कुछ चुरा के अपने सैनिकों को पहुंचा देता था। सरकारी आंकड़े हैं कि 1.5 मिलियन किसान मारे गए थे, विंस्टन चर्चिल अकेले ने वो किया था। और आज भी अंग्रेज़ों की तरफ से हमें उस बात की ना ही कभी कोई सांत्वना मिली है, ना ही कभी कोई अपॉलॉजी मिली है। अंग्रेज़ों को लगता है उस समय वो जो उसने किया वो ठीक था, मतलब 1.5 मिलियन लोगों को मार देना ठीक था। आज भी इंग्लैंड की क्वीन के सर पे जो कोहिनूर का ताज है, वो कोहिनूर उन्हें तोहफे में नहीं दिया गया था, वो भी चुराया ही गया था। और आज भी अंग्रेज उस बारे में भी, माफ़ी तो छोड़िए, बात भी नहीं करते। पर हाँ, अंग्रेज अकेले ही नहीं थे जिन्होंने बाकी देशों को बंदी बनाया। कई अफ्रीकन कंट्रीज को फ्रांस और जर्मनी चुराई हुई चीजें वापस पहुंचा रहे हैं, तो क्या ग्रेट ब्रिटेन कभी कुछ ऐसा करेगा इंडिया के लिए? हाँ, सोचना भी मत, क्योंकि वो ये कर भी नहीं सकते। 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति जो कि उन्होंने इंडिया से चुराई थी, सिर्फ इंडिया से, वो उनकी प्रेजेंट जीडीपी के 17 गुना है। यानी ब्रिटेन अगर उस संपत्ति का आधा हिस्सा भी, छोड़िए पौना हिस्सा भी लौटाना चाहे तो वो देश कंगाल हो सकता है। लंदन शहर जिस पे उन्हें इतना गर्व है वो हमारी इंडिया के चुराए हुए पैसों से ही बनाया गया है। तो पैसे तो उन्होंने दिए नहीं, बजाय उन्होंने हमें कॉमनवेल्थ गेम्स दे दिए। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पता है कॉमन क्या है? उन्होंने जिन भी देशों को लूटा था आज वो सब आपस में कंपीट करते हैं उस पैसे के लिए जो कि एक्चुअली उनका खुद का है। वाओ, मैं जानती हूँ कुछ लोगों को लगेगा कि मैं इंग्लैंड की कुछ ज़्यादा ही बुराई कर रही हूँ। अगर देखा जाए तो हम पे मुगल शासकों ने भी राज किया है, पर अगर आप आंकड़े देखें तो मुगल शासन के दौरान भी भारत सबसे अमीर देशों में से एक था। उसका कारण है मुगल शासकों ने हमारा पैसा लूटा, पर एक समय बाद वो हमारे यहाँ ही शिफ्ट हो गए, उन्होंने इंडिया को ही अपना घर बना लिया। पर अंग्रेज़ों ने सिर्फ लूटा, उन्हें कभी इंडिया को घर बनाना ही नहीं था, उनके लिए हम कभी कुछ थे ही नहीं, उनके लिए बस हम एक पैसे की मशीन थे और वो हमें लूटते गए। मुगलों के दौरान हमारे देश ने एक्चुअली काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ की, मुगल शासकों ने हमें कॉमन करेंसी दी, हमारे देश का व्यापार वाकई बढ़ाया उन्होंने। और अंग्रेज़ों ने ये ग्राफ खुद ही देख लीजिए। जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो हम इस दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक थे, और 1947 में जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो इंडिया दुनिया की सबसे गरीब देशों में से एक था। मैं ये नहीं कह रही कि मुगल शासक सारे अच्छे थे, कुछ अच्छे थे जैसे कि अकबर, और कुछ बहुत बुरे थे जैसे कि औरंगजेब। कुछ मुगल शासकों ने हिंदुओं का सम्मान किया और कुछ मुगल शासक हिंदुओं को एकदम ही मार डालना चाहते थे। पर अगर आप हिस्टोरिकली बात करें तो हिंदू और मुसलमान के बीच आज जो तनाव का माहौल है उसकी शुरुआत कब हुई थी? अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा, अंग्रेजों के शासन में। जो एक चीज अंग्रेजों ने हमें गारंटी से दी है वो है पाकिस्तान, और आज भी हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से शासन करने वाले अंग्रेजों ने उस जमाने से हिंदू मुस्लिमों को इतना भिड़ाना शुरू किया कि आज भी हम लड़ी रहे हैं। तो सोचने की बात है कि क्या हम आज वाकई आजाद हो गए हैं? खैर, अगली गलतफहमी की बात करें तो वो है एजुकेशन, पढ़ाई। अंग्रेजों ने इंडिया को एजुकेशन दी। मतलब ये कहने वाले लोग इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अंग्रेजों से अंग्रेजी आई। वो तो स्वाभाविक बात है, वो जो भाषा बोलते थे वो भारत में लेके आए क्योंकि उन्हें चाहिए था कि जो उनके नए नए ये गुलाम उन्हें मिले हैं वो उनकी भाषा समझें और ऑर्डर का पालन करें। पर अगर देखा जाए तो उसके अलावा एजुकेशन भारत में अंग्रेज नहीं लाए थे, वो भारत में सिर्फ अंग्रेजी लाए थे। अगर इन महानुभावों ने कभी इतिहास की किताब खोल के पढ़ा होता तो उन्हें पता होता कि विश्व का सबसे पहला महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, इंडिया में था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी नालंदा बिहार में जो है, उस महाविद्यालय को हजारों साल हो गए हैं बने हुए, वो ईसा मसीह से पहले भी थी। और उस महाविद्यालय में चाइना और आज जिसे हम मंगोलिया कहते हैं वहां तक के लोग पढ़ने आते थे।
और न जाने ऐसी कितनी ही महाविद्यालय और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ रहे होंगे पुराने ज़माने के, जिन्हें कई आक्रमणों में ख़त्म कर दिया गया। भारत ने ही दुनिया को गणित दिया है। अगर भारत नहीं होता तो खैर जीरो ही नहीं होता, गणित तो दूर की बात है। पर हमारी गुलामी ये सब कुछ भूल के बस ये याद रखते हैं कि इंग्लिश हमें इंग्लैंड ने दी है, यही फ़र्क है। इंग्लिश बोलने वाले को अमीर समझा जाता है और हिंदी बोलने वाले को एकदम गरीब लुक्खा समझा जाता है। और इसीलिए मैं ये सारे वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाती हूँ, ताकि मैं बता सकूँ कि ये सिर्फ एक भाषा है। और मुझे मारवाड़ी भी आती है, मैं वही वीडियोस मारवाड़ी में भी बना सकती थी, बट क्या है ना, पर मन्ना समझ आ गए हो कि आजकल का छोरा छोरी मारवाड़ी जाना को नहीं, आना बोलना में शर्मावे, आना समझ तो की आत आवे को नहीं, और ए लोग अंग्रेजा की औलाद हो रखा है, आना इंग्लिश वीडियो ही देना पड़ी। खैर ये तो सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने देश को लूटा, भारत पे अत्याचार किया, पर ये हम नहीं जानते कि जब कोई समाज 250 साल अत्याचार में रहता है तो उसकी दिमागी हालत पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। अंग्रेजों ने जो हमारे साथ किया वो असहनीय था। भारत दुनिया के सबसे महानतम सभ्यताओं में से एक था, हरप्पा सिविलाइजेशन जिसे हम हरप्पा सभ्यता भी कहते हैं, वो दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी उस ज़माने में। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। पर जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए, उन्होंने हमारी संस्कृति का तिरस्कार किया, हमारी रिवाजों का तिरस्कार किया, और धीरे धीरे हम भी ये मानने लग गए कि हमें कुछ नहीं आता, हम एकदम नीची कोटि के समाज हैं। और इसका नतीजा हम आज भी देख सकते हैं। आज हमारे देश में गोरे रंग को लेकर इतना क्रेज़ है, मतलब अगर आपने वेद पढ़े हैं या फिर उपन्यास पढ़े हैं तो हमारे भगवान जो हैं उन सब का रंग सांवला या फिर काला दिखाया गया है, पर अब हमारे भगवान भी गोरे होने लग गए हैं। तो आपको क्या लगता है, ये एकदम से गोरे रंग के लिए प्यार कब से जागा? हमारे सांस्कृतिक उपन्यासों में तो ये भी लिखा गया है कि सांवले रंग को औरत में सबसे सुंदर माना जाता था, और आज हर नुक्कड़ पे फेयर एंड डम्बली के एड्स लगे होते हैं। तो अंग्रेज़ों ने सिर्फ हमारे पैसे और हमारे लोगों पे हमला नहीं किया, हमारी सोच पे भी हमला किया। जो हम आज भी अंग्रेज़ी को अच्छा मानते हैं, गोरे रंग को अच्छा मानते हैं, विदेश में रहना अच्छा मानते हैं, और इसका एक बहुत गहरा नतीजा हमारे पर्यावरण पे भी हुआ। हिमालय जो हमारे लिए भगवान से खुद अपने आप में कम नहीं है, अंग्रेज़ों ने उसको भी नहीं छोड़ा। जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्हें समझ नहीं आया कि ये हिमालय पे पौधे जो उग रहे हैं उनका क्या काम है। ओरिजिनली अगर नेचुरली बात की जाए तो हिमालय पे फ्रूट्स देने वाले पौधे होते थे, हिमालय पे औषधियाँ होती थी, पर जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो वो नहीं चाहते थे कि भारत में भारत जैसा कुछ बचे, तो उन्होंने इंग्लैंड के पाइन ट्रीज़ हिमालय पे लगाना चालू किया। पर उससे पहले उन्होंने हमारे जो स्वाभाविक प्राकृतिक जंगल थे उन सबको काटा, एकदम जड़ से जला डाला, और वहाँ पे लगा दिए फालतू से बिना किसी काम के पाइन ट्रीज़। और स्वाभाविक बात है, जब जंगल के जंगल जलाए गए तो वहाँ पे रहने वाले जानवरों को भी ज़्यादा खुशी तो नहीं हुई होगी। पर इससे पहले कि वो जानवर अपना नया घर ढूंढ पाते, अंग्रेज़ उन्हें पहले ही मार चुके थे। अंग्रेज़ों के शासन के दौरान भारत में बहुत जानवरों का शिकार हुआ। हमारी रॉयल बंगाल टाइगर का इस हद तक शिकार किया गया कि उस ज़माने में शेरों की प्रजाति एकदम खत्म होने लग गई थी। तो अगर अगली बार कोई तुम्हें बोले कि अंग्रेज़ों ने भारत के लिए कितना कुछ किया है, तो उन्हें प्लीज़ बताना कि उन्होंने क्या किया है। और हाँ, इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं सभी अंग्रेज़ों से, सभी गोरे लोगों से नफरत करती हूँ। गोरे लोगों में भी जो अमीर गोरे लोग थे उन्होंने गरीब गोरे लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा उन्होंने हम इंडियंस के साथ किया। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं पूरे यूके से नफरत करती हूँ। यूके में भी स्कॉटलैंड आता है, आयरलैंड आता है, और उन दोनों देशों पे भी इंग्लैंड ने बहुत अत्याचार किए, और इंग्लैंड तो आज भी आयरलैंड पे अत्याचार कर ही रहा है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं पूरे इंग्लैंड से नफरत करती हूँ। इंग्लैंड में मेरे कुछ दोस्त भी रहते हैं, इंग्लैंड एक बहुत खूबसूरत देश है जहाँ काफ़ी देखने लायक जगह भी है, और अब तो इंग्लैंड में काफ़ी इंडियंस भी रहते हैं। मुझे नफरत सिर्फ उन लोगों से है जिन्होंने हमारे देश के साथ ये अत्याचार किए, जनरल डायर, विंस्टन चर्चिल जैसे कुछ लोग जिनके पास बहुत पावर थी, जो चाहते तो हमारे देश को बेहतर बना सकते थे, पर नहीं, उन्होंने दुनिया को और बुरा बनाना ठीक समझा।
और अगर अगली बार कोई तुम्हें बोले ना कि इंडिया पीछे है या फिर पिछड़ा हुआ है, तो एक बार एक इसरो का आर्टिकल उसके मुंह पे मारना, क्योंकि उनका चंद्रयान कहाँ है भाई? हमारा तो अभी आसमान में, अर्थ के बाहर, स्पेस पे है, पहली अटेम्प्ट में, जीरो फेलियर। और वो प्रूफ है इस बात का कि इंडियंस को अंग्रेजों की जरूरत थी नहीं वैसे कभी। और उसे कहते हैं स्वतंत्रता।